गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसे कह सकते हैं। पहचान होगी गा गी गे। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसमें मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। पहचान गा गी गे के साथ। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल बी, मींस सेल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, वी शैल विन द मैच। वी शैल विन द मैच, यहाँ पर आपका वी सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब, विन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द मैच ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मैच। अब जब पैसिव बनाया जाएगा तो पैसिव में स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा द मैच। आप ध्यान रखना है दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब काम करेगी शैल बी या विल बी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट द मैच है तो हेल्पिंग वर्ब विल बी काम करेगी। बस ध्यान रखना, दो सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल बी काम करता है, रिमेनिंग अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा पैसिव में। तो यहाँ पर द मैच विल बी बॉर्न। बाय लगा करके जब वी सब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, तो ये चेंज हो जाएगा अस में, तो आपका पैसिव कंप्लीट हुआ। द मैच विल बी वॉन बाय अस, मैच हमारे द्वारा जीता गया। सेकंड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स विल प्ले, द स्टूडेंट्स विल पे फीस ऑन 15th, मीन्स छात्र 15 तारीख तक फीस पे कर देंगे। इसका पैसिव बनाना है तो फीस पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब चूँकि ये एनी नेम आया, इसके साथ विल भी आपको बताया गया कि आई और वी के साथ शैल भी चलेगा, रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट में विल भी, तो होगा फीस विल भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है पे, पे का थर्ड फॉर्म होता है पैड। फीस विल भी पैड ऑन रिमेनिंग, आपको वी थ्री के बाद रिमेनिंग जो भी बचता है वो इसके वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखना है, तो ऑन 15th, देन बाय लगाना है, और फिर सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो द, जो आपका द स्टूडेंट्स है तो ऐसा कैसा आ जाएगा द स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर थर्ड, विल यू थ्रो ऑल द पेंसिल्स। विल यू थ्रो ऑल द पेंसिल्स मीन्स क्या आपने सभी पेंसिल्स, क्या आप सभी पेंसिल्स फेंक देंगे, तो जब इसका पैसिव बनेगा तो ध्यान दें कि यहाँ पर ऑल द पेंसिल्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑल द पेंसिल्स ऑब्जेक्ट, और चूंकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो ऑल द पेंसिल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको विल आगे लेना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो विल फिर ऑब्जेक्ट आएगा ऑल द पेंसिल्स, और जब इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो शैल और विल अकेले को आगे लेना है, बी को नहीं लेना, बी वहीं पर अपने स्थान पर रहेगा, तो बनेगा विल ऑल द पेंसिल्स बी, थ्रू का थर्ड फॉर्म थ्रोन, बाय यू पीछे जाएगा तो यू, और ये इंट्रोगेटिव है तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आपके द्वारा सभी पेंसिल्स फेंक दी जाएगी। सेंटेंस नंबर फोर्थ, द फार्मर्स विल नॉट ग्रो राइस दिस ईयर। फार्मर्स विल नॉट, द फार्मर्स विल नॉट ग्रो राइस दिस ईयर, तो किसान इस साल अनाज नहीं उगाएंगे। पैसिव जब बनाया जाएगा तो होगा द राइस, ये ऑब्जेक्ट होगा इसमें राइस,
तो इसके अकॉर्डिंग आपका होगा राइस विल नॉट बी ग्रोन, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन। और फिर अपने को करना है रिमेनिंग, तो क्या बचा हुआ अपने पास, दिस ईयर। तो द राइस विल नॉट बी ग्रोन दिस ईयर, बाय लगा करके जब फार्मर्स जाएगा पीछे तो हो जाएगा बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नॉट टियर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तो सेकेंड इसका आंसर, द पेजेस ऑफ द बुक्स विल नॉट बी टर्न बाय हिम, द पेजेस ऑफ द बुक विल नॉट बी टर्न बाय हिम। तो इस तरीके से इसका पैसिव बन जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और यदि